थोड़े पॉलिटिशियन सवय जल्दी आसा खोचो विषय घेन तो पॉलिटिसाइज करप खीर हाँ जस्ट पत्रकार लोक कहपा खीर स्टेट मिनरल फंड जो कि एमाउंट आसा आज पर एक पैसे जे आसा स्टेटी स्पेंड करूं ना बट स्पेंड स्टेटी इंटरेस्ट कोविड सारे पेंडेमिक जाए राज्य वेगवेगे स्टेप्स घो ओके हम तुमका मुद्दा संगता जरी तो वफरल आसत जो स्टेटी इंटरेस्टान पेंडेमिक कंडीशन वफरतले बट तो वफरचो ना कहीं पॉलिटिशियन टीका करता है वाइट दिता कहना एक एकदा कि स्टेटी इंटरेस्टान जो स्टेट मिनरल फंड वफरता आसत जो एप्रिसिएट करपाय टीका करपी नहीं आशी बट हाँ खाती तुमका कहपा जाए 27 जुलाई 2020 डीएमजी राइट्स टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी अपॉइंटेड बाय द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट गोवा मिनरल ओर परमानेंट फंड स्कीम GOMPF द ड्राफ्ट विच इज सबमिटेड ते उपरान ऑन 2 डिसेंबर 2020 डीएमजी राइट्स टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी रिक्वेस्टिंग टू इन्फॉर्म द फर्दर डेवलपमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्ट स्कीम हावेवर नो रिस्पॉन्स वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी फ्रॉम द इन एप्रिल 2021 एफिडेविट वॉज फाइल्ड बाय द डीएमजी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द GOMPF स्कीम in compliances with the direction of the honorable supreme court in right petitions of the 435/2012 then 10th June of 2021 cabinet has approved the notified of goa mineral ore permanent fund scheme and is placed before the honorable supreme court on condition that implementation shall be subjected to the final decision of the honorable supreme court final decision of the honorable supreme court this is very much important till now the honorable supreme court has not given the final decision that's why we have drafted we have notified but we have not used okay then 27th of July 2021 member secretary central empowered committee writes to the dmg seeking the clarification regarding the notifying the scheme without approval of the honorable supreme court okay on 9th of August 2021 dmg again clarified to the member secretary of the central empowered committee that the notification of the scheme has been approved by the government on a condition that its implementation shall be subjected to the final decision of the honorable supreme court in this matter what this is the chronology he served these letters sir ji time to time chala our intention is clear आमका गोवा मिनरल फंड परमानेंट मिनरल फंड जो आसा वो स्टेटी इंटरेस्ट वापरपाचो आसा बट विथ जे सब्जेक्टेड टू बाय कंप्लीशन ऑफ ऑल द क्लेरिफिकेशन विथ द सुप्रीम कोर्ट एंड विथ द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी रिगार्डिंग दैट टार बॉल जो बीचीसर जला तेजर आता थोड़े वे पैली टूरिजम मिनिस्टर हाउस सीएस एनवायरमेंट पोल्यूशन आनी टूरिजम हाँ बरबर मिटींग जी हमें हजे पैली वो विषय जो आता विच इज एन डिफरंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व विच इज एन शिपिंग मिनिस्ट्री अगेन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री हाँ पर्सनली होम मिनिस्टर लेटर बरोवपाचो आसा कि हा विषयाचेर हजे पैली हमें एनवायरमेंट मिनिस्टर लेटर हमें पैली बरयना आणि रिगार्डिंग दीस हांव आता डीजी शिपिंग परत होम मिनिस्ट्री आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर हाका परतूय लेटर बरोवन आम्ही जाता तितके बेगीन अशा पद्धतीचे जे कोण पोल्युशन्स क्रिएट करता इन द डीप इन द हाय सी त्याचे जाता तितके बेगीन ॲक्शन घेऊची आणि गोयचे बीचीस अशा पद्धतीत इट इज नॉट ओनली इन गोवा बट इट इज ऑन वेस्ट कोस्ट एंटायर वेस्ट कोस्ट हो प्रॉब्लम क्रिएट जावपाक लागला बट गोयात आम्ही ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन्स फॉर द पोल्युशन आणि बीचीस हांका दिल्ली आसा की वेळच्या वेळी जे बीचीस आसा ते सगळे क्लीन करचे म्हणून इंस्ट्रक्शन्स दिल्या